जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एशियंट हिस्ट्री की बुक जो उपेंद्र सिंह जी द्वारा लिखा गया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आप देख सकते हैं इस बुक का जो नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों ये पाषाण काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास इसमें आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उसको ये पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो ये प्राइज है, आप देख लीजिए, थोड़ा ये महंगी बुक है, लेकिन ये है कि ये बुक अगर आप पढ़ते हैं तो एशियंट के लिए शायद ही कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। हालांकि ये बुक सब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी बुक हो जाता है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। आपको मैं इसका चैप्टर दिखाऊंगा, प्लस इसका जो लेसन का पूरा फॉर्मेट है, विषय सूची, मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगा। आप इसका देख के समझ सकते हैं कि आपके लिए आवश्यक है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे बेहतरीन बुक का रिव्यू आपको मिलता रहे। चलिए आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी विषय सूची है। आप देख सकते हैं पॉज करके कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेट ही दिया गया है। और दोस्तों सबसे अच्छी इस खासियत बात है इस बुक की कि इसमें जो फोटोग्राफ दिए गए हैं बहुत ही कलरफुल हैं। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको ये एकदम लगेगा कि जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसका जरूर इसमें फ़ोटो मिलेगा, और भी रंगीन फ़ोटो। आपको मैं आगे दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई में ये बुक बहुत बेहतरीन है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये बुक खरीद के ज़रूर पढ़िए एक बार, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ ये बुक कितनी बेहतरीन बुक है। ये देखिए ये इसका लेसन है दोस्तों, आप अच्छे से इसको पॉज करके इसके लेसन के क्रम को समझ सकते हैं कि हाँ कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है इसमें। ये देखिए आपको दिखाते हैं आगे, हम आप अच्छे से पॉज करके देख लीजिए कि इस पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा के बारे में, या वैदिक काल और 12वीं शताब्दी तक के इतिहास में बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। आपको आगे मैं इसके जो मानचित्र है या तो फिर जो इनका फोटो दिया गया है पिक्चर, वो भी दिखाऊंगा पॉज करके अच्छे से। आप देख सकते हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो गुफा हो गया, सुदामा गुफा हो गया, या सांची का स्तूप हो गया, सब कुछ इसमें चित्र बनाया गया है। और दोस्तों इसकी पेज क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, आप देख सकते हैं पॉज करके दोस्तों। ये इसके सब लेसन चल रहे हैं अभी जो इसमें कवर किया गया है इस पूरे बुक में। ये देखिए दोस्तों, कुल दोस्तों इस लगभग 740-750 पेज की बुक है। लेकिन ये है कि हिस्ट्री में एशियंट जो पढ़ा जाता है इससे बेहतर बुक शायद मार्केट में कोई होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, आपका फैक्ट कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर होगा। चलिए आगे आपको मैं इसके कुछ लेसनों को दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इसका लेसन। ये देखिए, ये देखिए कितना रंगीन फोटो इसमें, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं लेसन दिखाता हूँ। ये सब तो इंट्रो दिया गया है इस बुक के बारे में। ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, हालांकि ये देखिए इसमें कितने रंगीन फोटोग्राफ, आप ये देख लीजिए। ये सब तो सब इंट्रो में इसके दिया गया है, आप लेकिन खुद ही समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बुक लिखा गया होगा। चलिए आपको इसके लेसन को दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं हड़प्पा सभ्यता का लेसन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया गया है, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये साइड में लिखा गया है, आप पॉज करके देख लीजिए। और देखिए इसमें जो फिगर आपको देखेंगे, रियल मन लगेगा कि आपके सामने ही वो रखा हुआ है, क्योंकि इसका पेज क्वालिटी दोस्तों बहुत ही एकदम जो पन्नी वाला पेज आता है वो वाला है। आप देख सकते हैं जैसे आप अभी तक जॉन मार्शल का नाम सुनते थे, देखिए इसमें किस तरह उनका फोटो दिया गया है जॉन मार्शल का। उसके बाद आगे बताया गया, पॉज करके हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक जो इसमें स्टार्टिंग है आप देख सकते हैं पॉज करके अच्छे से। ये देखिए उसके बाद आपने सुना होगा कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करवाया था। ये देखिए उनका फोटो किस तरह से अच्छे से दिया गया है, देख सकते हैं आप उसका लैंग्वेज पढ़ के देख सकते हैं कितना स्टार्टिंग में कितने अच्छे से दिया गया है। चलिए दोस्तों आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसमें फिगर दिया गया है। ये देखिए आप देखते होंगे मोहनजोदाड़ो का भवन और दीवारें, आप देख सकते हैं अच्छे से फिगर दिया गया है। उसके बाद आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं उसके नीचे कितने अच्छे से, सब कुछ फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट हर चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया है इसमें।
आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो का सड़क व्यवस्था कैसा था। आप अभी तक बुक में पढ़ते होंगे लेकिन आप फिगर के लिए सोचते होंगे कि नेट पे सर्च करूँ या कुछ भी, लेकिन आपको इसमें जो भी आप पढ़ेंगे उसका अच्छे से फोटोग्राफ रंगीन तौर पे आपको मिलेगा। और इसका लैंग्वेज तो आप पढ़ ही सकते हैं पॉज करके, कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। ये देखिए ये भी आप देख लीजिए, आप मोहनजोदड़ो का स्नानागार पढ़ते होंगे, आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस तरह इसमें दिखाया गया है। आप इसका लैंग्वेज पढ़ सकते हैं पॉज करके, ये देखिए कितने अच्छे से बताया गया है। हड़प्पा नगर योजना जो था उसके बारे में कितने अच्छे से, ये दोस्तों आपके माइंड में छपता चला जाएगा। आप देखेंगे ये देखिए कालीबंगा मुख्य सड़क मकान दीवारें कितने अच्छे तरीके से हैं, इसमें फोटो दिया गया है, वो आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं। आप देखते रहिए और पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं इसके लैंग्वेज को अच्छे से। ये देखिए बनावली का नीचे फिगर दिया गया है। चलिए आगे आपको मैं दिखाता हूँ इसका पांचवा लेसन जो है, और तो आप देख ही सकते हैं, आपको दिखता होगा किस तरह ये धोलावीरा का तालाब ये सब है। आप देख सकते हैं लोथल का कूप नालियाँ दिया गया है, लोथल का डॉकयार्ड के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, ये देखिए आपको मिलेगा। हर चीज़ बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए धोलावीरा का सिटाडेल जो है इसके बारे में बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। आप इसका फिगर खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसमें बताया गया सब कुछ। ये देखिए आभूषण उस समय कैसे मध्यकालीन में थे, आप देख सकते हैं उसका फिगर। चलिए आपको मैं पाँचवा लेसन दिखाता हूँ, आपको इसको लैंग्वेज पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा गया, सरल लैंग्वेज ही है, हालांकि ये लेंदी बुक हो जाती है बच्चों के लिए। ये देखिए दोस्तों ये इसका पांचवा लेसन है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो कुछ मैंने इसमें पॉइंट आउट किया है कि आपको देखना चाहिए कि हाँ उसे समझ जाएंगे कि हाँ ये कितना बेहतरीन आपके लिए हो सकता है। ये देखिए दोस्तों आप मैं देखता हूँ देखते होंगे कि ये देखिए सोनौली का कब्रगाह कितने अच्छे तरीके से बताया गया। अब आप इसका लैंग्वेज पढ़ सकते हैं कि उसके बारे में पूरा फैक्ट कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर कर दिया गया है। अब देखते रहिए, आपको जहाँ भी पढ़ना हो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप हम ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको ये बुक कैसी लगी। दोस्तों आप देखते रहिए, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं। आपको ऐसे बेहतरीन बुक का रिव्यू मिलता रहेगा जो आपकी स्टडी में आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आपको आगे मैं सातवां लेसन इसका दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सब दिखाने में जाऊँगा तो आप ये बुक बहुत लंबी हो जाएगा। देखिए ये देखिए इसका जो है कितने अच्छे तरीके से मौर्य काल के बारे में दिया गया है। आपको ये दिखाऊंगा कि ये अधिकतर एग्जामों में पूछने जाने वाला लेसन है। आप देख लीजिए ये देखिए कितने अच्छे से स्टार्ट किया गया है, और आप इसका लैंग्वेज भी देख सकते हैं दोस्तों, बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है। ये है कि हाँ इतना विस्तृत रूप से दिया गया है कि आपको बोरिंग महसूस हो सकता है अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये। अगर आप जानना चाहते हैं, शायद ये बुक पढ़ने के बाद आपको एशियन से लेकर 1200 ईस्वी तक की कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी। अधिकतर ये बुक जो हिस्ट्री ऑप्शन लगते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, या तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ, ये देखिए अशोक के अभिलेखों के बारे में कितने अच्छे से, एक भी अभिलेख नहीं इसमें छोड़ा गया है, जितने भी अभिलेख अशोक के हैं आप देख सकते हैं। आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी। ये देखिए आप इसका मैप देख सकते हैं, कितने अच्छे से कलरफुल मैप है। चलिए आपको इसके आगे के पेजों को दिखाता हूँ मैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको इसके मुख्य भाग को दिखाऊंगा कि आप खुद जानेंगे कि हाँ सच में ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के नॉलेज रखने में। ये देखिए दोस्तों जैसे
कार्ले का चैत है, बिदसा का चैत है, कितने अच्छे से फिगर बताया गया कि आप एक बार देखेंगे तो आपके माइंड में छपता जाएगा। ये देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की जो जैन गुफाएं हैं, आप पहुंच करके अच्छे से देख लीजिए। ये नासिक गुफा के बारे में कितने अच्छे से बताया गया है। आप जो बुक में पढ़ेंगे आपको उसका फिगर जरूर मिलेगा। ये देखिए गुफा नंबर 10 किस तरह था। अभी तक आप बुद्ध जी की जो गांधार शैली की प्रतिमाएं केवल पढ़ते थे, आप इसमें देख भी सकते हैं कि किस प्रकार बुद्ध जी की प्रतिमा थी। आप देख लीजिए कि गांधार शैली में खड़ी प्रतिमा कैसी थी या बैठी मुद्रा में प्रतिमा कैसी थी, और लैंग्वेज भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये देखिए उपवास करते सिद्धार्थ का चित्र है, यानी बुद्ध जी का। आप पहुँच करके अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आगे। आप ये देखिए एलिफेंटा गुफाओं के महादेव के बारे में कितने अच्छे से बताया गया। एलिफेंटा गुफा के बारे में आप पहुंच करके अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, उसके पहले फिगर दिया गया, उसके बाद पूरे अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अजंता की गुफाएं दी गई हैं, कितने अच्छे से कलरफुल फिगर है कि हाँ आप अगर पढ़ेंगे तो, और उस साथ में आप फिगर उसका देखेंगे तो आपको वैसे ही माइंड में छपता जाएगा सब कुछ। अजंता गुफा 19 किस प्रकार है। चलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसका खुद देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बेहतरीन बुक रिव्यू के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से फिगर बताया गया। आप जो भी इतिहास में पढ़ते हैं उस सब का फिगर आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए आपको मैं खुश इसको, ये देखिए दोस्तों एलोरा की जो भी कैलाशनाथ मंदिर है उसका जो फिगर है कितने अच्छे से इसमें दिखाया गया है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है एशियंट हिस्ट्री की, इसलिए ये रिव्यू कर रहा हूँ कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री पढ़ने में तो आप ये बुक जरूर एक बार पढ़िए। ये देखिए बादामी गुफा जो आप पढ़ते हैं, सब कुछ दिया गया है कि जितनी भी गुफाएं हैं उनका। ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कितने अच्छे से दिया गया है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं हलेश्वर मंदिर, ममल्लपुरम मंदिर के बारे में दोस्तों किस तरह दिया गया है। आप इसमें लैंग्वेज भी आप देखेंगे कि हाँ ये देखिए चोल चोल मंदिर कितने अच्छे से दिया गया है कि हाँ उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया कि आप अगर पढ़ेंगे पहुँच भी आप खुद ही देखेंगे कि हाँ ये कितनी बेहतरीन बुक है। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अपना वीडियो में समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।